लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। थाना सिरसागंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो शराब तस्करों को मय तमंचे सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सचिंद्र पटेल एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे संदिग्ध वाहन चेकिंग, व्यक्ति तलाश व वांछित अपराधियों की तलाश में थाना सिरसागंज प्रभारी सुनील कुमार तोमर एवं कठफोरी थाना प्रभारी मोहर सिंह को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, जहाँ थाना सिरसागंज प्रभारी सुनील कुमार तोमर एवं थाना कठफोरी प्रभारी मोहर सिंह ने दिनांक 15/2/2020 की रात्रि को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मुखबिर की सूचना मिली कि अराव रोड स्थित LPS कोल्ड स्टोरेज के पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई है, जिसका नंबर DL2CA U1828 फर्जी नंबर लिखा हुआ है। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस ने गाड़ी से दो संदिग्ध व्यक्तियों को मय तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। 10 पेटी अवैध शराब, देसी 220 आदत ढक्कन व मय रैपर गाड़ी के गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से पुलिस ने 315 बोर तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर पुलिस ने बरामद किया। सिरसागंज से सचिन जैन की रिपोर्ट। सिरसागंज पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दिशा में कल इनकी एक शराब तस्करों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुल चार थे बदमाश, दो को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, दो भागने में सफल रहे। जो गिरफ्तार हुआ उसमें एक पहले से भी वांछित चल रहा है शराब तस्करी के मामले में, गैंगस्टर के मुकदमा इसके ऊपर कायम था। इनके पास से करीब 10 पेटी अवैध शराब, ढक्कन, रैपर, एक गाड़ी हुंडई मिली है जिसके माध्यम से अवैध शराब की सप्लाई करते थे। ये बड़ा रैकेट है इनका, इनसे बरामद हुआ है। दो जो भागे हुए हैं उनकी तलाश हम कर रहे हैं। एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, इनके पास तमंचे भी मिले हैं और इनके गिरफ्तारी से जो अवैध तस्करी हो रही थी यहाँ पे, उसमें जरूर अंकुश स्थापित होगा।